जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता आपको, शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश की तिवरिया जनपद के भटनी थाना का छपिया जगदीश गांव, जहां उस समय कोहराम मच गया जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में इस गांव का लाल शहीद हो गया। वहीं इस दुख की घड़ी में शहीद के पिता ने बताया कि हम क्या कहें, हमारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे तो कितने माँ बाप के लाल देश के लिए शहीद हो गए। इसी के साथ ही बताया कि पाकिस्तान को एक बड़ी सीख देने की जरूरत है, नहीं तो हमारे लाल यूं ही काल के गाल में समाते रहेंगे। आप उनका पिता बोल रहे हैं? मैं कहा आ तो क्या करते हैं, सीआरपी में नौकरी करते हैं, यही बात हुआ। बाद में बोले कि हमको दुख के साथ कहना पड़ता है विजय कुमार शहीद हो गए। क्या कहना चाहिए, मतलब शहीद हुए आपके बेटे, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? क्या कहेंगे, देश के लिए हमारा बच्चा शहीद हो गया, अब हमारा लिए कुछ नहीं रह गया है, खत्म हो गया सब। लेकिन धरती माँ के लिए, देश के लिए सेवा करने ने खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसे तो कितने माँ बाप को लालू शहीद हो गए, चले जा रहे हैं। वहीं परिवार के सदस्य ने बताया कि भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तभी हम देशवासियों को सुकून मिल सकेगा। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। चाहते हैं कि उसकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। 40 भाई हमारे देश के शहीद हुए हैं, 39 में एक मेरा छोटा भाई विजय कुमार मौर्य भी रहा है। मैं चाहता हूं, मैं पूरा छपिया जगदेव के लोगों से ही चाहता हूं, पूरा गांव चाहता है कि इसकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए, भारत सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। हम यही चाहते हैं भारत सरकार से, बस तभी हम लोग को सुकून मिलेगा, मेरे पूरे गाँववासी हो गए। देवरिया से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।